सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में कुछ अलग ही होने वाला है। आज पिछली बार जैसे कि आपको याद ही होगा, हम लोग गए थे विलेज, एक हमें विलेज नया मिल गया था। पर आज मैंने सोचा है क्यों ना उन विलेजर्स को ही अपने बेस में लेके आ जाया जाए, फिर करी जाए उनसे ट्रेडिंग। और देखो ऐसा है, जो ये मैंने बनाया था कैसल की सोच के, अब कैसल तो बनना है सरा यार, वो उसमें क्या ही बनाऊंगा फिर मैं कैसल में, मतलब धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। पर इसके नीचे इधर ही मैं सोच रहा हूँ, इधर बहुत सारे मतलब जितने भी विलेजर्स आ सके विलेजर्स को ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं जल्दी से बोट रख लेता हूँ, लीड्स रख लेता हूँ और सीधे चलता हूँ विलेज में, वहाँ से लेके। मेरे को आइडिया नहीं है विलेजर्स को लाते कैसे हैं, कोशिश करूँगा कुछ जुगाड़ करके उनको यहाँ तक लाने की। अगर कुछ तरीका होता हो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो ठीक है, विलेज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा अपने को पहले एक विलेजर, है ना, वो खड़ा सामने। ठीक है, आ जा बेटे, बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ, अरे बैठ क्यों नहीं रहा, अरे भाग और गया। तो इसको बिठाता हूँ, उसके सामने ही बोट रख देता हूँ। अरे जल कैसे गया ये, क्या ही गधा विलेजर है यार, क्या कर रहा भाई, अरे बैठ क्यों नहीं रहा। कैसा पागल है, अच्छा भाई बैठ, हाँ बैठ है ना। अब इसको सीधे कैसे भी करके पानी में उतारता हूँ, पानी के रास्ते से कोशिश करता हूँ इसको अपने विलेज की तरफ ले जा सकूँ, वहाँ पर इसका एक बेड भी डाल दूँगा, है ना, नहीं यही सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से, वहाँ पर एक नदी है था वहाँ तक का एक रास्ता खोल देता हूँ यहाँ से सामने सामने, तो जिससे इसको सीधे सीधे भाग के ले जा सकूँ बिना प्रॉब्लम के, क्योंकि लीड से ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मेरी को कैसे असली तरीका कोई होता होगा ले जाने का, यार कमेंट्स में बताओ प्लीज़। और तब तक मैं ऐसे जुगाड़ से कोशिश कर रहा हूँ इनको ले जाने का। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खुदाई करने के बाद मैंने एक यहाँ पर एक गली सी बना ली, इसके अंदर डालूंगा मैं पानी और पूरा इसको आगे तक ले जाऊंगा और नदी में से उतार के इसको पानी के रास्ते ले जाऊंगा विलेज तक। ठीक है, वैसे मैंने सिंगल एक एक ब्लॉक करके खोदा था, पर एक प्रॉब्लम ये हो गई उसके अंदर कि ये एक ब्लॉक से बोट जा नहीं रही थी, तो मेरे को दो ब्लॉक खोदने पड़े और मैंने वो सब कर दिया है। अब इसकी बोट भी यार अजीब सी हो गई है, एक मिनट पहले ये भाग ना जाए, जैसे मैं बोट खोदूँ तो वो लगा देता हूँ इसके आसपास ब्लॉक्स, ब्लॉक्स लगा देता हूँ फिर बोट को करूँगा ठीक। और चल बेटे अब तू चल, बहुत देर हो गई, बहुत देर से देख रहा मैं। अब इसकी यहाँ से बोट को निकालता हूँ एक मिनट के लिए और ये जिससे भाग ना जाए फिर, और इसको वापस फिर बोट में बिठाता हूँ। हर चीज़ ही उल्टी हो रही है आज तो, बोट कैसे अब ज़मीन के अंदर घुस गई, इसको अब बोट को लगता हूँ ऊपर और सीधे अब जाएगा ये मेरे विलेज पर। चल बेटे बैठ जा, बहुत देर हो गई तेरी, बहुत देर से देख रहा मैं भी यार, चलो भाई अब तू बैठ जा बेटे, अब तो तू चल सीधे, बस ठीक ठाक से पहुँच जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं, सीधे चलते हैं, लेट्स गो। हाँ जितना मैं सोच रहा था उतना है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भटक चुका हूँ यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं आया तो यहीं से था, मैं आया था, अरे हाँ आया हूँ मैं यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं निकला हूँ एक बार, यार कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं कहाँ से निकलूँगा अब, नहीं यार लैंड के रास्ते से जाना चाहिए था। अब कैसे कैसे करके मैं इसको लेके आया हूँ ऊपर, और अब मेरे को कुछ रास्ता सा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मैं कोऑर्डिनेट्स देखकर कोशिश करता हूँ इसको पहुँचाने की। चलो अब सीधे लेके चलते हैं इसको, मेरे को लगता है 677 पे हैं तो, और अपना है 400 पे, है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से इस तरफ थोड़ा सा जाके मिल जाएगा अपने को, तो इस तरफ चलते हैं, मिल जाना चाहिए, इधर सो लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब ले तो आया मैं इसको यहाँ तक इतनी मुश्किल से खींच के, पर अभी एक से आएगा नहीं इधर, है ना, तो मेरे को दरवाजे डबल कर देने पड़ेंगे, एक से वो घुस नहीं पाएगा ना,
तो यहाँ पर दो दरवाजे लगा देता हूँ, एक से तो घुसने से रहा। हाँ ठीक है, एक और लग जाएगा यहाँ पर। ऑल डन, ठीक है, पानी आ गया, अब इसको बांधो लीश और अब तू चल अंदर। भाई तूने बड़ा तंग कर दिया सही में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने तो इसको यहाँ तक लाने में, जबकि ऐसा कुछ था नहीं है चलाने का इसका, मुश्किल ज़्यादा टाइम लगा दिया। चलो तो बढ़िया है, पर आ तो गया ना। अरे एक मिनट, हाँ अब सही है, इसकी बोट और निकाल देता हूँ फिर एकदम बढ़िया। क्या ये क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द का काम हो गया, इतनी मुश्किल से एक विलेजर को मैं ला पाया और वो सही में मर गया। नहीं यार अब मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, अब जा रहा हूँ मैं नेदर भाई संन्यास लेने के लिए। भाई अब तो नेदर में थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा यहाँ पर माइनिंग वगैरह करता हूँ, कुछ मिल जाए तो बढ़िया। अरे यार क्या ही सिर दर्द का काम हो गया, इतनी मुश्किल से मैं एक विलेजर को लेके आया, इतनी जुगाड़ लगा के, सही है मजाक नहीं रहा, बहुत टाइम लगा मेरे को उसको यहाँ पर लाने में, इतना आसान सोचा था उतना मेरे लिए था नहीं है। और ये मैं एक मिनट में पूरा मेरा गेम खराब कर दिया। अरे यार एक गैस हट, यहाँ पर करूँगा माइनिंग और ढूंढूंगा कुछ मस्त माल। यहाँ से शुरू कर देते हैं जल्दी से, या थोड़ा और आगे चल के दिखता हूँ कुछ वो तो बढ़िया काम की चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से शुरू कर देते हैं अपनी माइनिंग और नीचे जाके ढूंढते हैं कुछ बढ़िया चीज़। फिलहाल तो काफ़ी घूमने के बाद थोड़ा सा गोल्ड मिल गया है और ब्लैक स्टोन मिल गया, क्वार्ट्स मिल गया। क्वार्ट्स मैं अभी ज़रूर कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वार्ट्स से काफ़ी बढ़िया ब्लॉक्स बनते हैं वाइट कलर के और मस्त लगते हैं, और मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ वो घर बेकार सा लगता है लकड़ी का, उसको क्वार्ट्स से रेनोवेट सा कर दूंगा थोड़ा सा, तो वो इसके लिए क्वार्ट्स भी ठीक है। ठीक है यार अब गोल्ड मिल गया, क्वार्ट्स मिल गया, बहुत है। चलो पर थोड़ा सा और क्वार्ट्स दिख रहा है, इसको निकाल लेता हूँ फिर चलते हैं सीधे घर को। वेट अ मिनट, ये एशियन डेब्रिस है वो? नहीं यार ये मत कहो, इतनी आसानी से मिल गया, मैं तो सिर्फ नीचे खोदता आ रहा था। ओ वो भी दो दो, ओ भाई क्या कह रहे हो, नो वे सही में मिल गया। आई लेट्स गो, दो दो एशियन डेब्रिस, बस मेरी डायमंड पिकेक्स ना टूट जाए, वापस आना पड़ेगा वरना। लेट्स गो, एक मिल गया, दूसरा और निकाल लेते हैं। और भाई अब इसके बाद कोई लालच नहीं, सीधे जाऊंगा अपने बेस पे क्योंकि अब ये भी नहीं खोना चाहिए, इतनी मुश्किल से मिल गया है फाइनली। और अब इस चलता हूँ मैं अपने सीधे बेस पे। और मेरे को पर याद है नीचे रास्ता था क्या, तो मेरे को थोड़ा सा रास्ता याद करके वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो सीधे ऊपर की तरफ खोदता चले जाऊँगा, यही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को रास्ता याद आ नहीं रहा है, मैं पता नहीं कहाँ से आया था। और मैं सोच रहा हूँ ऊपर की तरफ खोदते चलूँ क्योंकि अब यहाँ तो अब मेरे को मिल नहीं रहा है कुछ, एक बार देख लेता हूँ और एशियन डेब्रिस तो नहीं है यहाँ पर। नहीं यार दो ही मिल गई यहाँ पर भैया, पर अगली बार जब मैं आऊँगा सोच रहा हूँ TNT माइनिंग करूँ, या तो बेड लगा के TNT लगा के। अब मैं यहाँ से आया तो था इतना तो मेरे को याद आ रहा है, यहाँ से नेदर रैक लगा के ऊपर चढ़ता जाता हूँ, और फिर यहाँ पर एक जगह लावा भी था यार, मेरे को इसका भी डर है लावा मिल गया हो भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से नेदर रैक लगा के ऊपर चढ़ता चलता हूँ, काम करता हूँ और फिर कहीं ना कहीं तो निकल ही आऊँगा, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स चेक कर लूँगा अपने कहाँ पर थे और चलते हैं। मेरे को रास्ते में थोड़ा सा क्वार्ट्स मिल गया, थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल गया, और अब मेरे लगता है मैं अपने पोर्टल तक, नेदर पोर्टल तक पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी फिर अपने वही देखने पड़े मेरे को अपने
कोऑर्डिनेट्स, हाँ यही यही तो है, पर मैं ऊपर चला गया था ज़्यादा माइंड करके मेरे को लगता है, और अब मेरे को जाना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से सीधे जाना है अब नीचे, ये तो रहा अपना पोर्टल, सही है सही आ गया, पर ऊपर कैसे पहुँच गया, मैं तो नीचे माइंड कर रहा था। अरे आके अरे बढ़िया, तो यार आज तो ठीक ही रहा, बस वो यार वो क्यों मर गया बिल्डर, मेरे को उस बात पे गुस्सा आ रही है, इतनी मुश्किल से मैं उसको लाया और एक गलती से उस पर तलवार क्या पड़ गई, वो मर ही गया सीधे, कैसा बेवकूफ़ था वो। तो यार ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अब तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो अब विलेजर्स को लाया जाए। अब देखो कलेक्टिंग का अपना मामला खूब हो गया, ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें माइन कर ली हैं, डायमंड्स हो गए अपने पे थोड़ा बहुत, चलो नेटरेट ज़्यादा नहीं है, दो स्क्रैप ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चेक कर लेता हूँ फर्नेस में डाल के कितना है, दो ही होते हैं ना, एक तो एक ही एक एशियन टेबल से एक ही स्क्रैप निकलता है, और थोड़े स्क्रैप चाहिए होते हैं इंगट बनाने के लिए, ठीक है। पर मैं सोचा है कि अब थोड़ा बढ़िया कुछ बनाएंगे, या एक तो पहले मैं ट्रेडर्स को लेके आऊँगा यहाँ पर, और विलेजर्स को यहाँ पर लाऊँगा और उनका एक हॉल बनाऊँगा, और फिर देखता हूँ कुछ घर को भी इस वाले को रेनोवेट करूँगा, बेकार सा लगता है लकड़ी का बना हुआ, देखता हूँ इसके अंदर से क्या मिलता है। आप तो भाई ये मिल गया अपने दो नेदर स्क्रैप, इसके इंगट बनाने के लिए वैसे कितना चाहिए होता है, एक मिनट देखता हूँ, इंगट नेदराइट, ये रहा, वाह 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 भाई क्या ही है। वो कह रहा 9 लगेंगे, ठीक है, तो यार फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बता रहे हो आजकल तुम लेटेस्ट वीडियोस पे, यार ऐसा ही प्यार दिखाते रहो, बहुत बढ़िया, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।